हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैपिटल एक्वायर वंस अगेन। और आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो ट्यूटोरियल पे। हमारे इस वीडियोज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छे वीडियोज हमारे यहाँ से बना के दिए जाएंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन इक्विटी मार्केट में किस तरीके से निवेश करें और अपना खुद का एक पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, ताकि हमें किसी एडवाइजर, ब्रोकर या किसी भी ऐसे इंसान की जरूरत न पड़े जिसकी हमें हेल्प लेनी पड़े। यहाँ पे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है, खुद का एक निवेश स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोज में भी हमने बताया था इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, स्टॉक कहाँ से पिक करें, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमको NSE इंडिया पे जाना है, लाइव मार्केट्स में जाना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इक्विटी स्टॉक्स में जाना है। ठीक है, इक्विटी स्टॉक्स में हम गए, यहाँ पे हमें निफ्टी 50 मिल रहा है। इसके अलावा हमको जाना है, हमको यहाँ पे एक आपने देखा होगा यहाँ पे, हाँ, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50। दोस्तों, इसका मैं मतलब बता देना चाहता हूँ कि निफ्टी के अंदर 50 ऐसे स्टॉक जिनमें डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। जो लोग लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या 2 से 4 साल, 5 साल के लिए बनाना चाहते हैं और एक अच्छा रिटर्न्स निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन उनको डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 फंड्स में ज्यादा होगा। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि डिविडेंड अपॉर्चुनिटी 50 फंड्स में आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं आपको इन्वेस्ट करने के। पहले हम स्टॉक्स को देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, तो इनमें देखिए, इंफ्राटेल है, IRB है, HCL है, सीएंट है, ऑयल है, ठीक है, वेदांता है। तो दोस्तों, अब इनमें हम देखेंगे कि डिविडेंड अपॉर्चुनिटी फंड क्यों कहला रहा है, ये क्या ऐसा रीजन है। पहली चीज तो आप देखें, इंफ्राटेल का प्रीवियस रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न 6.46% इंट्राडे था। अब इसमें इन्होंने कितना डिविडेंड दिया है आप देखेंगे दोस्तों, 7.50 पर शेयर। हम इंफ्राटेल यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे हम एक वो बना लेते हैं, है ना, कि हम जिन स्टॉक्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। स्टॉक का नाम हमने इंफ्राटेल रखा। ठीक है, इसी तरीके से हम जो जिन जिन स्टॉक में डिविडेंड मिले हैं, एक सीएंट में मिला है 6 रुपीज पर शेयर। ठीक है, उसके बाद ऑयल में बायबैक हुआ है, TCS में 4 रुपीज शेयर। तो हम सीएंट और TCS डाल लेते हैं, सीएंट TCS। और इसके अलावा हमारे पास और शेयर ले लेते हैं, TCS के अलावा हम ले लेते हैं वेदांता, 17 रुपये पर शेयर। ठीक है, यहाँ पे हमें इंफ्राटेल में कितने रुपीज मिले थे, 7.5 मिला था, सीएंट में मिला था 6 रुपीज, TCS में 4 रुपीज और वेदांता में 17 रुपये 17 रुपीज पर शेयर। ठीक है, पर शेयर है ये, एक शेयर पे। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं, NMDC में मिला था, बायबैक हुआ है, IOC पे क्या था, 6.75। तो हम एक और स्टॉक ले लेते हैं, IOC। हमने 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इनमें अब हमने इनको किस प्राइस से खरीदा। मान लीजिए कि हम इंफ्राटेल को 260 से खरीदे हैं, सीएंट को 650 से खरीदे हैं, TCS को 2200 के आसपास खरीदे हैं। एक सेकेंड, हम TCS को देख लेते हैं क्या प्राइस चल रहा है, 1900 चल रहा है, वेदांता 195। ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि हम 2000 से खरीदे थे और वेदांता हमने 200 से खरीदा है और इसको हमने 160 रुपीज से खरीदा है। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि इसमें हमने खरीदा क्या प्राइस से है, हमें लॉस है, प्रॉफिट है, डजेंट मैटर। लेकिन हमको, अगर हम मान लीजिए कि इनमें हमने सभी में 10 10 शेयर खरीदे हुए हैं, 10 10 शेयर खरीदे हैं, ठीक है, हमने सभी में 10 10 रुपीज शेयर खरीदे हैं, ठीक है, तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगा है, इसमें लगा है 2600। इसमें इन्वेस्टमेंट भी हम लिख लेते हैं, 2600 5 हंड्रेड 2000। ठीक है, 2000 20,000 लगा है, सॉरी, ठीक
2000 और इसमें लगा है 1600, ठीक है। अब दोस्तों देखिए कि हमको प्रॉफिट कितना हुआ, डिविडेंड प्रॉफिट कितना हुआ, 75 नहीं 750 सॉरी 60 रुपीज, ये 75 ही होगा सॉरी, ठीक है। और इसमें हो गया हमको 40 रुपीज पर शेयर, ठीक है, 10 शेयर है, ठीक है। हमें इसमें हो गया 170 रुपीज, इसमें हो गया 67 रुपीज, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये जो टोटल आया है ये आया है 412 रुपीज, 412 रुपीज। तो दोस्तों देखिए 412 रुपए हमको सिर्फ डिविडेंड मिला है, ठीक है। दोस्तों आप सोचिए कि अगर हमारे पास ये शेयर 100 100 शेयर होते तो 4120 रुपए हमें सिर्फ डिविडेंड मिलता, सोचिए। तो अब ये डिविडेंड हमें सिर्फ प्रॉफिट डिविडेंड मिला है। और अगर हमारे ये स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, जैसे इंफ्राटेल बढ़ रहा है, सीएंट बढ़ रहा है, टीसीएस बढ़ रहा है, वेदांता बढ़ रहा है, आईओसी बढ़ रहा है, तो इसके बेनिफिट अलग मिलेंगे। अब दोस्तों ये डिविडेंड साल में 2 बार 3 बार भी मिल जाते हैं, तो आप समझिए कि 10,000 रुपए तो आपके कहीं नहीं गए अगर 100 शेयर आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये आपका पैसा जो लगा है वो लगा ही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको डिविडेंड बोनस और ऐसे तरीके से मिलता है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और इनको नीचे नीचे से इन्वेस्ट करते हैं तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि तो अगर आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, अगर आपने 2 लाख से 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो दोस्तों 20 से 50 हजार रुपए आपका डिविडेंड कहीं नहीं गया है। डिविडेंड के अलावा आप मार्केट के ग्रोथ का अगर प्रॉफिट निकालते हैं वो अलग, ठीक है। जैसे सीएंट ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया है लास्ट कुछ सालों में, देखते हैं। वेदांता ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, ये देखिए दोस्तों। सीएंट अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2017 में परचेस करते तो इसकी जो प्राइसिंग थी, मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी प्राइसिंग थी ऑलमोस्ट 506 रुपीज, लेकिन ये इसने 2018 में 15 5 जून में 800 रुपए का टच किया, तो हमें 300 से मतलब लगभग हमको 40% का रिटर्न मिला, प्लस हमें डिविडेंड 6 रुपीज पर शेयर अलग मिला। अगर हमारे 100 शेयर होते तो 600 रुपए का डिविडेंड प्लस ये 400 पॉइंट 300 पॉइंट का प्रॉफिट अलग मिलता, हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाता। तो इसीलिए आप डिविडेंड अपॉर्चुनिटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। चलिए वीडियो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही क्लोज करता हूँ। आने वाले वीडियोज में मैं और भी अच्छे ट्रिक्स आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।